किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन कंपनी के नए प्रोडक्ट किंग रॉक के बारे में, जिसे कृषि रसायन कंपनी ने नया लॉन्च किया है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किंग रॉक इंसेक्टिसाइड क्या है, इसमें ऐसा क्या कंपोजिशन है जिससे हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। इसके अलावा यह कीटों को कैसे मारता है, किंग रॉक की डोज और प्राइस, संपूर्ण ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। किसान भाइयों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ द इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग रॉक इंसेक्टिसाइड क्या है। किंग रॉक इंसेक्टिसाइड एक यूनिक कॉम्बिनेशन वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, जिससे इसके स्प्रे करने पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिलता है पाइरीप्रोक्सीफेन 10% प्लस बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्मुलेशन में। इसी का मतलब होता है किसान भाइयों, इमल्सिफाइबल कॉन्सनट्रेट, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं किंग रॉक के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। हम इसे किसी फसल पर स्प्रे करते हैं तो यह किस प्रकार कीटों को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, इसको स्प्रे करने पर आपको दो मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कंपोजिशन दिए गए हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पाइरीप्रोक्सीफेन के बारे में। यह एक IGR ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। IGR का मतलब होता है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके अलावा बात करते हैं यह कीटों की किन अवस्था पर काम करता है। किसान भाइयों, यह कीटों की तीनों अवस्था पर काम करता है, एग, निम्स और एडल्ट। यह कीटों की तीनों अवस्था पर कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं किंग रॉक के दूसरे टेक्निकल बाइफेंथ्रिन के बारे में। किसान भाइयों, यह एक न्यू जनरेशन का टेक्निकल है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पाइरीथ्रेट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। इसमें आपको नॉकडाउन एक्शन देखने को मिलता है। नॉकडाउन एक्शन का मतलब होता है किसान भाइयों, जैसे ही हम इसको फसलों पर छिड़काव करते हैं तो यह तुरंत कीटों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे कीट खाना नहीं खा पाते और ये भूख से मर जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, किंग रॉक के अंदर आपको ट्रांसलेमिनार एक्शन भी देखने को मिलता है, जिससे यह स्प्रे के तुरंत बाद पत्तों के ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, जिससे पत्तों के नीचे छुपे हुए कीट भी आसानी से मर जाते हैं। अब बात करते हैं किंग रॉक किन किन कीटों को कंट्रोल कर लेता है। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छे रिजल्ट इसके वाइट फ्लाई पर देखने को मिल रहे हैं। ये वाइट फ्लाई की तीनों अवस्था को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा एफिड, जेसिड, माऊ और हरा तेला, हल्की फुल्की मकड़ी को भी कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं किंग रॉक को हम कौन कौन सी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो हम इसे सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों पर स्प्रे करते हैं तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैंगन, कपास, मिर्च, टमाटर आदि सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों पर हम किंग रॉक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ रबी, खरीफ और बागवानी पर भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं किंग रॉक के डोज के बारे में। किसान भाइयों, किंग रॉक को आप 15 लीटर की टंकी में 30 ml घोल मिलाकर स्प्रे करने से फसलों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आखिर में बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 100 ml की कीमत 220 से 250 रुपये के आसपास मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपको कृषि रसायन का किंग रॉक बाज़ार में नहीं मिल रहा हो तो सापेक्स कंपनी का एम्पायर भी आता है, उसे आप ले सकते हैं, या पारिजात कंपनी का लियोनिस नाम से मार्केट में उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। किसान भाइयों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।